किसी भी रेसिपी में मुझे पर्सनली कोई फॉल्ट नजर नहीं आया कि मैं बोलूं कि ये तो ऐसे नहीं करना चाहिए था। मतलब मुझे ऐसी कोई चीज नहीं नजर आई उनकी रेसिपीज में कि मतलब इट वॉज वेरी इजी ऑन द आई। एंड जब वो काम कर रही थी तो पता लग रहा था कि शी न्यू वॉट शी इज डूइंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुलसुम वकास है, मैं आयरलैंड में रहती हूँ और दिस इज माय सेकंड टाइम पार्टिसिपेटिंग इन सुपर बावर्ची एंड आई एम वेरी ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अगेन। आप एज ये देखें कि कॉम्पिटिटिव ज्यादा कौन सा था, तो आई वुड से कि कॉम्पिटिशन दिस टाइम इज मच मोर फियर्स देन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का जो सुपर बावर्ची था वो भी काफी कॉम्पिटेटिव था, लेकिन इस दफा एक से बढ़ के एक डिशेज वीडियोज मुझे इस दफा का ज्यादा एज अ कॉम्पिटिशन इस दफा इट वॉज मच टफर देन लास्ट ईयर। वन हंड्रेड परसेंट माई हजबेंड, माई हस्बैंड इज माई बिगेस्ट क्रिटिक। मतलब अगर मैं कुछ भी बनाती हूँ वो ये नहीं होगा कि ही विल गो नहीं बहुत अच्छा बना है या नहीं बताएंगे नहीं कि इसमें कोई खराबी नहीं है या जो भी चीज। लेकिन अगर मैं एज अ क्रिटिक बात करूँ मतलब वो मुझे अक्सर औकात वो बारीकियां भी बताते हैं जो शायद मैं खुद भी मिस कर जाती हूँ कि अब या फिर अगर ये इस तरीके से हो जाता तो ये ज्यादा अच्छा हो जाता। मेरा पिछले साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मेरा पिछले साल का सुपर बावर्ची का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। दिल में कहीं ये भी था कि अगर मैं पिछली दफा इतना क्लोज मार्जिन से आके रह गई जीतने से तो आई थिंक आई शुड गिव इट अनदर ट्राई। एक ये भी फीलिंग थी और दूसरी चीज ये भी थी, दूसरी एक बात ये भी थी कि मुझे बहुत मजा आया था लास्ट टाइम। दिस वाज समथिंग जो व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको अपने घर के कंफर्ट से बाहर ही निकलना पड़ा, आपने घर में बैठे हुए ही हर चीज को अवेल कर लिया और प्लस इतनी अच्छी टीम, स्पेशली आप बुशरा खुद भी हर चीज के लिए इतनी सपोर्टिव होती हैं कि यू जस्ट वॉन्ट टू डू इट। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि आपके पास एक चांस होता है कि आप अपने घर में अपने घर के कंफर्ट से अपनी सलाहियतें अपनी जो जो आपके इंटरेस्ट्स हैं या जो चीजें आप परस्यू करना चाहते हैं वो आप घर बैठे ही उनको चांसेस हैं हमारे पास थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। इस साल के सुपर बावर्ची में मेरा सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट तो विद कॉर्न था कि जब मुझे कॉर्न एज अ सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिला तो मैं थोड़ी देर के लिए तो मेरा भी दिमाग सेवरी की तरफ गया था कि आई डू समथिंग इन सेवरी। लेकिन वही बात है कि इट्स अ कॉम्पिटिशन, आपको अपने आप को एक लेवल दो लेवल ऊपर जाके सोचना है बिकॉज आप नॉर्मल रूटीन में तो कुछ भी बना लेंगे लेकिन फॉर अ कॉम्पिटिशन यू नीड टू थिंक, यू नीड टू रीच दैट लेवल वेयर यू आर कम्पीटिंग विद समवन एंड दैट आल्सो सो मेनी कम्पेटिटिव कंटेस्टेंट्स और बेहतरीन कंटेस्टेंट्स। तो कॉर्न जब मुझे मिला तो उसके एक लेवल तक मतलब उसको जिस तरह से मैंने एग्जीक्यूट किया कॉर्न स्वीट कॉर्न आइसक्रीम को, उसको सोचने में मुझे बहुत सारी नई टेक्निक्स के बारे में पता चला, बहुत सारी चीजें इस तरह से मतलब जाहिर है जब मैं उसके लिए सारी सर्च कर रही थी, जब मैं उसके बारे में देख रही थी सोच रही थी खुद भी, तो उस वक्त मैंने बहुत सारी चीजें नई एक्सप्लोर की एंड इट वाज अमेजिंग। जब मैंने कॉर्न आइसक्रीम के बारे में सोचा, पहले तो मैं सर्च कर रही थी कि मैं कॉर्न के साथ क्या क्या एक्सप्लोर कर सकती हूँ, फिर एकदम जैसे कहते हैं ना लाइट बल्ब मोमेंट,
उसमें ये समझ में आया कि व्हाई नॉट गो फॉर समथिंग स्वीट, क्योंकि आप ये देखें ना कि अगर आप उसका फ्लेवर सोचना शुरू करें तो इट्स वेरी स्वीट इन नेचर. तो आप जब मैंने मेरे दिमाग में जब ये चीज चलना शुरू हुई है कि इट्स बेसिकली वेरी स्वीट इन नेचर, तो हम इसके साथ कुछ मीठा भी कर सकते हैं. फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड थिंकिंग के इसके साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. कॉर्न को कैरामलाइज कर लिया, कॉर्न के साथ स्वीट चिली सॉस बना लिया, यू नो ऑल दीज थिंग्स ये होती रहती हैं और आप देखते भी हैं. एकदम स्ट्राइक किया कि मे बी देर इज एन आइसक्रीम फॉर इट, या मे बी आई कैन मेक एन आइसक्रीम विद इट. फिर आई स्टार्टेड सर्चिंग मोर. फिर मैं एक कोरियन वेबसाइट की तरफ चली गई. वहां पर मुझे नजर आया कि दे हैव दीज काइंड ऑफ फ्लेवर इन देयर आइसक्रीम्स. आई थॉट मे बी इट्स डूएबल. फिर मैंने उसका एक बनाया, क्या कहना चाहिए, एक एक्सपेरिमेंटल उसकी की मैंने डिश तैयार, तो इट टर्न आउट टू बी वेरी गुड. फिर उसके साथ पेयरिंग करना शुरू की कि इसके साथ और क्या क्या जाएगा. फिर कैरमल पॉपकॉर्न तक पहुंची. फिर व्हेन आई हैड इट विद कैरमल पॉपकॉर्न, तो देर वॉज अ स्वीटनेस विद नीडेड, जो मतलब उसको एक जो है ना, इट नीडेड समथिंग टू कट द स्वीटनेस. फ्रॉम देयर मैं रास्पबेरी सॉस तक पहुंच गई. बस वो खुद ब खुद करते करते एक्सपेरिमेंट डिश तैयार हो गई. इट वॉज एक्चुअली वेरी टेस्टी, बहुत मजे की थी, बल्कि वो हम खुद ही खा गए. अगर मैं आपको कहूं तो एक तो मुझे सारा मुस्तनसर का जो है बहुत इंतजार था कि उनकी रेसिपी आएगी, क्योंकि उन्होंने जो अपना मेथी दाने के साथ जो उन्होंने हेलवे बनाया था फेनुग्रीक के, अमेजिंग. प्लस उसकी प्रेजेंटेशन, प्लस उसकी हर लिहाज से इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज सेकंड राउंड की. दूसरा नाम जो मैं लेना चाहूंगी वो है असफिया अहमद. उनका कुकिंग स्टाइल इज वेरी इजी ऑन आइज, और उनके उन्होंने अभी तक जितनी भी रेसिपीज बताई हैं, स्पेशली जो उन्होंने अभी अपनी थर्ड एंट्री अपलोड की है, उसमें भी उनकी कुकिंग में एक फिनेस, एक एक्सपर्टीज उनकी कुकिंग के तरीके में नजर आता है. तो मैं उनको नाम लेना चाहूंगी कि आई थिंक शी वुड बी वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स. और एक मिनाहिल जिन्होंने कैरेट केक बनाया था, उनका नाम लेना चाहूंगी. अस्मिया ने की है, एक ब्रंच है, एक बर्गर्स है, पिज्जा था, और मुझे लगता है असफिया, क्योंकि उन्होंने जितने महारत से अपनी सारी डिशेस बनाई, उनकी डिशेस में किसी भी रेसिपी में मुझे पर्सनली कोई फॉल्ट नजर नहीं आया कि मैं बोलूं कि ये तो ऐसे नहीं करना चाहिए था. मतलब मुझे ऐसी कोई चीज नहीं नजर आई उनकी रेसिपीज में कि मतलब इट वाज वेरी इजी ऑन द आई. एंड जब वो काम कर रही थी तो पता लग रहा था कि शी न्यू वॉट शी इज डूइंग. आज ही सुबह उनका मैंने ब्रंच वाला देखा है, जो उन्होंने ब्रेकफास्ट तैयार किया है सारा. उनकी रेसिपीज के बारे में तो मैं शायद इतना ज्यादा बेहतर ना जान सकूं जितना हमारे जजेस बता सकेंगे, लेकिन जिस तरीके से वो काम करती है ना, आपको समझ आ जाती है कि शी नोज वॉट शी इज डूइंग, कि हाँ उनको पता है अब नेक्स्ट उन्होंने क्या करना है. यू नो आपको देख के पता लगता है कि इट्स वेरी इजी फॉर हर टू डू दिस. मैं आपको अगर सच बात बोलूं तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा था. इसका रीजन ये था कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर जाके चीजों को एक्सपेरिमेंट करूं. तो आई वॉजंट रियली होपिंग फॉर चिकन या चावल या मीट या समथिंग, या आलू मैं नहीं चाह रही थी. मैं एक्चुअली चाह रही थी कि मुझे कोई बहुत ही डिफरेंट और मे बी डिफिकल्ट इंग्रेडिएंट मिले, ताकि मैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकूं. क्योंकि अगर मुझे कोई ऐसा आम तब सादा इंग्रेडिएंट मिल जाता जिनसे हम घर पे पकाते रहते हैं, तो
आप शायद उस होराइजन पे जाके ना सोचते जिस होराइजन पे मैंने कौन को जाके सोचा, मैं ये जरूर कहूंगी। इस पर्टिकुलर बात पे मैं जो हमारी जज हैं मारिया, मैं सबसे पहले तो उनकी लिए मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी तारीफ किस तरह कर सकूं, उनकी डेडिकेशन की तारीफ किस तरह कर सकूं, क्योंकि एक मतलब ठीक है हम भी बैठे हुए थे, हमारा तो चलो एक मतलब था कि हम इंतजार कर रहे थे कि हमारा नाम है या नहीं है, हम गए अगले राउंड में नहीं गए, लेकिन जिस डेडिकेशन के साथ उन्होंने पूरे 4 घंटे लगाए और हमें एक एक चीज एक्सप्लेन की हर डिश के बारे में, और कंटेस्टेंट्स जो थर्ड राउंड के लिए फाइनल में गए थे, फाइनलाइज हुए थे, उनके बारे में उन्होंने एक एक करके बाकायदा समझाया, बताया, नाम लिया, इट वॉज कमेंडेबल। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके लिए कोई भी बात बंदा सोचे कि यार इतनी देर हो रही है, कितनी देर लग रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं उनकी इस डेडिकेशन को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि एक एक डेडिकेशन शो होती है कि आप किस कदर आप चाहते हैं कि हाँ अगला बंदा जो है उसको पता चले कि उसकी क्या गलतियां थी, ताकि वो नेक्स्ट राउंड के लिए मजीद एक्सेल कर सके। दिस इज कमेंडेबल। बुशरा, टू बी ऑनेस्ट, अभी तक तो वहां तक सोचा ही नहीं। इस दफा कंपटीशन भी काफी टफ है, तो अभी तक जीतने तक तो सोच गई ही नहीं कि जीतूंगी या नहीं जीतूंगी। और जब दोबारा अनाउंस हुआ था कि सुपर पावर्ची 2021 स्टार्ट हो रहा है, आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ अनदर एक्सपीरियंस, बिकॉज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो मुझे सिर्फ इस एक्सपीरियंस का दोबारा हिस्सा बनना था, एक पहली बात। और दूसरी बात ये कि लास्ट टाइम मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की थी कि जब आपको कोई चैलेंजेस में लेके जाता है ना कि जी अब ये आपके लिए ये चैलेंज है, तो आपको खुद उस वक्त पता चलता है कि आपकी आखिर पोटेंशियल कहाँ तक जा सकती है। दैट इज समथिंग जिसने मुझे दोबारा भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए थोड़ा सा पुश किया कि आई टेक पार्ट अगेन और देखूं कि इस दफा मैं कहां तक जाती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम की मैं कुछ चीजें बना के तो आई वाज लाइक, जिस तरह लास्ट टाइम जब फ्राइड आइसक्रीम बनाई थी तो वो भी एकदम से ही एक ख्याल आया था कि व्हाई नॉट फ्राई इट, फिर उसके बारे में सर्च की। तो इस बार भी यही था कि आई वॉन्टेड टू पुश माई सेल्फ अगेन टू द लेवल कि हाँ मैं कहाँ तक जा सकती हूँ अपनी नॉर्मल चीजों को इनोवेटिव टर्न देने के लिए। जब लास्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया था और मैं सेकंड रनर अप आई थी, तो उस वक्त मुझे मेरी फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, मतलब सबको हुआ था कि यार तुम्हारी डिश इतनी अच्छी थी, व्हाई डिडंट यू विन, कि तुम्हें तो जीतना चाहिए था। फिर मैंने सबको बताया कि देयर वाज, मतलब जब आप एक रेसिपी के लिए वर्क करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो उसके साथ उसके रेसिपी कार्ड पे भी आपने पूरे तरीके से ध्यान देना होता है। इट वॉज माई मिस्टेक कि आई फॉरगॉट टू मेंशन कुकिंग टाइम एंड माई प्रेप टाइम एंड सर्विंग साइज। दैट वॉज वन थिंग जिसकी वजह से आई फील के आई लैक्ड बिहाइंड फ्रॉम द टाइटल, लेकिन उसके अलावा एवरीबडी अप्रिशिएटेड मी, सबने मुझे अप्रिशिएट किया कि हाँ यार एक बात होती है कि आप घर पे बैठे हुए हैं, फिर उसमें से आप वीडियो मेकिंग के लिए टाइम निकाल रहे हैं, ओके यू नीड टू बी प्रिसाइज इन एवरीथिंग। तो आप, मैंने ये भी सीखा कि वीडियो बनाने के लिए भी किस कदर आपको मेहनत, और एडिटिंग के लिए किस कदर मेहनत लगती है आपकी। तो ये बस था कि एवरीबडी वॉज वेरी रियली प्राउड ऑफ मी, स्पेशली माई फैमिली। इतनी तो मेरी नहीं है बसारत कि मैं सुपर बावर्ची के बारे में कुछ भी कह सकूं, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात ये कि मुझे घर बैठे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसपे मैं अपने आप को, मतलब खुद को प्रूफ कर सकती हूँ कि मैं कहाँ तक जा सकती हूँ।
तो इसलिए सुपर बावर्ची के लिए तो आई हैव नो वर्ड्स एक्सेप्ट फॉर बीइंग वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आप यकीन भी नहीं कर सकती। जिस तरह मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं खुद ये चाहती हूं कि आप जो है कुछ करें, लेकिन मैं अपने घर का कंफर्ट भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि जाहिर है आपके घर की एक रूटीन होती है, आपके अपने बच्चे होते हैं, आप किसी को निग्लेक्ट भी नहीं बच्चों को करना चाहते, उनकी भी एक डेली नीड डेली रूटीन होती है। तो मी पर्सनली बीइंग अ हाउस वाइफ, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू द होल टीम फॉर गिविंग अस अ चांस एंड अ प्लेस जहां पे हम अपने जो है डिशेस लेकर आते हैं, वी पुट इट आउट इन फ्रंट ऑफ एवरी वन एंड देन गेट अप्रिसिएशन फॉर इट। और बाकी आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल माई कंटेस्टेंट्स जो फाइनल राउंड में पहुंचे हैं, एंट्रीज जो हमारे सारे कंटेस्टेंट्स ने अब तक फाइनल राउंड में मैंने जिन जिन की देखी है, देयर ऑल सुपर्ब, सबने बेतहाशा मेहनत की है, नजर भी आ रही है, और आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। अल्लाह हाफिज। हम्म।